वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं होंडा एक्टिवा 6G एच स्मार्ट 2023 का न्यू जनरेशन वेरिएंट है, ठीक है। ये हाल ही में ही लॉन्च किया है 2023 में। इससे पहले जो एक्टिवा आती थी, ये सबसे अपर वेरिएंट, जिसको टॉप वेरिएंट बोल सकते हैं एक्टिवा का, एक्टिवा 6G एच स्मार्ट करके इसका नाम है। तो चलिए मैं इसका पूरा बैकग्राउंड आपको दिखा देता हूँ। इसका ये रियर प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं। प्रोफाइल वही सेम मिल जाएगी आपको चारों तरफ से, जैसे एक्टिवा की आती है। ये इसका टॉप वेरिएंट जो अभी हाल ही में लॉन्च किया है, सेम प्रोफाइल वही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज कर दी गई हैं। ये आपको वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ मिल जाती है। इसमें आपको कोई भी की वगैरह नहीं मिलती है, रिमोट की मिलती है, जो कि मैं आपको दिखा दूँगा। चलिए इसकी मैं रिमोट की एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसकी ये रिमोट की आती है, जिससे आप अपनी स्कूटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बिना आप इस स्कूटर को ऑन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। एंड यहाँ पे आप की लगाते थे, तो अभी की लगाने का ऑप्शन ख़त्म हो गया है। तो फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं भाई, तो फ्रंट में आपको वही सेम मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हेडलाइट की बात करें तो LED सेटअप मिल जाता है टोटल। एंड वही आपके इंडिकेटर अगेंस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। ये इसका वाइज़र फ्रंट का मिल जाता है। एंड होंडा का स्टिकर में लिखा हुआ मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें आपको कई कलर मिल जाते हैं, 2 से 4 कलर आपको मिल जाते हैं। वाइट में मिल जाता है, रेड में मिल जाता है, काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। एंड यहाँ पर बात करें तो कोई भी DRLs वगैरह नहीं दिया गया है, ओनली फॉर क्रोम दिया गया है। और साथ में यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, फाइबर की फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। मडगार्ड की अगर मैं बात करूँ तो वही मडगार्ड अगर सेम मिल जाता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें ओनली फॉर एक्टिवा लिखा हुआ था, एंड उससे अपर वेरियंट है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मडगार्ड सेम यही डिज़ाइन वही आपको मिल जाती है। रिफ्लेक्टर आप लोग देख सकते हैं, इधर भी मिल जाते हैं भाई, एंड इधर भी मिल जाते हैं। मडगार्ड के पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फाइबर की फिनिश दी गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सस्पेंशन की बात करें तो सिल्वर कलर के साथ आपको मिल जाते हैं। एंड इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको, क्योंकि ये टॉप वेरियंट है ना एक्टिवा का। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अलॉय व्हील्स काफ़ी प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। एंड 130mm का आपको फ्रंट ब्रेक मिल जाता है। टायर की अगर मैं बात करूं तो टायर साइज़ आप देख सकते हैं, 90-90-12 का आपको इसमें टायर साइज़ मिल जाता है। एंड जो कि ट्यूबलेस आपको दिया गया है, ठीक है। अब मैं इसके सस्पेंशन के बारे में बता देता हूं आपको। फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं तो टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन दिए गए हैं। ये तो बात थी फ्रंट प्रोफाइल की। अब मैं बात करता हूं इसके साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, वही लोग आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगेन यहाँ पर आपको एक्टिवा लिखा हुआ मिल जाता है, एक्टिवा लिखा हुआ मिल जाता है। एच स्मार्ट की वेजिंग आपको लिखी हुई मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं अगेन, ठीक है। बस इसी का ही इसमें कमाल है एच स्मार्ट का। ये सबसे अपर वेरिएंट है एक्टिवा का। एंड फुटरेस्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, वही आपको फुटरेस्ट मिल जाते हैं रबड़ ग्रिप के साथ में प्लेन के। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पेस मिल जाती है, ड्राइवर फुटरेस्ट वगैरह आप लोग देख सकते हैं भाई, ठीक है, बड़ा सा मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगेन आपको हुक मिल जाता है, एक हुक आपको यहाँ पे मिल जाता है। वही सब कुछ सेम आगे मिल ही रहा है। एंड अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल में, तो रियर प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है। एंड अगेन ये टेल लाइट मिल जाती है, जो कि आपको LED में नहीं मिल रही है, बल्ब के साथ मिल जाती है। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर भी आपको इसमें बल्ब के साथ मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। ये आपको रियर का मडगार्ड मिल जाएगा। एक बार मैं इसके रिमोट की प्रेस करता हूँ, पता पड़ेगा भाई कि कैसे ब्लिंक करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं इसके, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी राइट प्रोफाइल पे, तो अगेन वही राइट प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, वही सेम आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अगर इसके एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट आपको ब्लैक कलर के साथ मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे मफलर गार्ड लगा हुआ मिल जाता है, जो कि आपको मेटल के साथ दिया गया है। रियर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो MRF का टायर आपको दिया गया है। एंड 90-110 का आपको यहाँ पर टायर मिल जाता है रियर का। एंड अलॉय व्हील्स काफ़ी प्यारे हैं, छोटे से अच्छे लगते हैं। 130mm का आपको रियर का ब्रेक मिल जाता है, 130mm का आपको ब्रेक मिल जाता है। फ्रंट में भी सेम है, वही रियर में आपको मिल जाता है। एंड इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, वो अब अच्छा कहें या ख़राब कहें क्या ही कह सकते हैं, कुछ लोगों को पसंद आएगा कुछ को नहीं आएगा, क्योंकि इसमें किक ऑप्शन हटा दिया गया भाई, इसमें किक नहीं दिया जाता है। इससे पहले जो एक्टिवा इसके जो नीचे का वेरिएंट है उसमें आपको किक मिल जाता है, इसमें आपको किक का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। इतनी तो बात थी, अब यहाँ से बात कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग जब चाबी लगाते थे तो यहाँ पे
चाबी को प्रेस करते थे तो भाई सीट ओपन हो जाती थी, फ्यूल फिल कैप ओपन हो जाता था, ठीक है। उसके बाद में फिर एक ऑप्शन आया कि यहाँ पे लगाने के बाद में फ्यूल और सीट का ये मिल जाता है, ठीक है। एंड अगर इसमें आप चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार प्रेस करो और इसको ऐसे पुल करते हैं, ठीक है, ऐसे। और ऐसे करने के बाद में यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ एक बार, जैसे कि ये मेरी की है, ठीक है। इस टाइप में इसमें आपको रिमोट की मिल रही है जो कि वाईफाई कनेक्ट हो जाती है इससे। जैसे आपकी पार्किंग में या कहीं भी आपकी खड़ी है तो नहीं मिल रही है क्योंकि चाबी तो आपकी है नहीं, लगा नहीं सकते। तो इसको एक बार प्रेस करेंगे ना, एक बार यहाँ से ऐसे दबाएंगे तो इस तरीके से आपको इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे, ठीक है। तो आपको पता पड़ जाएगी हमारी एक्टिवा यहाँ पे खड़ी हुई है। उसके बाद में जैसे ही आप इसके पास जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक बार ऐसे क्लिक करो इसको, ठीक है, इसको एक बार ऐसे प्रेस करो तो अगेन यहाँ पे एक चाबी का पॉइंट जल जाता है, वाईफाई का सिग्नल आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो ऐसे एक बार प्रेस करेंगे और इसको एक बार ऐसे करेंगे तो ये ओपन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका जो स्पीडोमीटर है वो ही यहाँ पे जल जाते हैं। एंड उसके बाद में फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना ब्रेक दबाओ और स्टार्ट हो गई आपकी ये एक्टिवा, ठीक है। मैंने स्टार्ट कर दिया, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका LED जल रहा है, आप लोग देख सकते हैं हेडलाइट आपकी जल रही है एंड स्टार्ट हो गई है। उसके बाद में अगर जैसे ये की है तो मैं इससे थोड़ी सी दूर जाऊंगा तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इससे दूर खड़ा हूं तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक इसके पास नहीं जाएंगे तब तक, ठीक है। एंड ये तो इसका फीचर्स है जो कि अपने में अच्छा है, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में बता दूंगा एक बार, अगेन इसके बारे में बताता हूँ स्पीडोमीटर में। तो स्पीडोमीटर में आपको वही मिल जाता है, मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ। यहाँ पे फ्यूल का मिल जाता है, यहाँ पे इंजन चेक का मिल जाता है, यहाँ पे बैटरी का मिल जाता है, ये हेडलाइट का मिल जाता है, अप डाउन का, ये इंडिकेटर के आपके हो गए, यहाँ पे आपका स्पीडो का हो गया एंड यहाँ पे किलोमीटर का जितनी आपकी चल गई है इतना है। बस एक कमी हो रहा है इसमें, अगर इसमें डिजिटल मीटर कर दिया जाए तो फिर इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, लेकिन आगे होंडा कुछ ना कुछ तो करेगा, बस वेट करवा रहा है। चलिए वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हेडलाइट का स्विच मिल जाता है एंड ये इंडिकेटर का मिल जाता है अगेन, एंड ये आपका हॉर्न का मिल जाता है। सिंगल हॉर्न आपको इसमें दिया गया है, ये आपको और भी उसकी जगह मिल जाएगी जो कि आप जब ख़रीदने आएंगे तो एसेसरीज़ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं ज़रा इसका बूट ओपन करके दिखा देता हूँ भाई, इधर इधर करना पड़ेगा। तो ये मैं एक बार कर लेता हूँ ऐसे, इसके मैं सीट ओपन कर लिए, ठीक है। यहाँ से ये आपकी सीट ओपन हो जाती है एंड इसमें जगह देख लेते हैं भैया, जगह तो अच्छी खासी मिल जाती है। इसमें आपको फर्स्ट एड किट भी मिल जाती है डॉक्टर की, ठीक है, एंड सामान रखें अपना हेलमेट वगैरह रखने की जगह मिल जाती है। अब इसको मैं कर देता हूँ बंद, ये बंद हो गई। उसके बाद मैं अगर मैं फ्यूल फिलर कैप ओपन करूँ यानी पेट्रोल का टैंक खोलता हूँ तो इसको एक बार कर दिए ऊपर, ठीक है। तो ये अपने आप ही ओपन हो जाता है, यहाँ पे फ्यूल फिलर कैप खुल गया, ठीक है। आराम से अपना ये खोल लो और पेट्रोल डलवा लो, ठीक है ना, फिर इसको आराम से बंद कर दो आप, ये बंद भी हो जाता है। ये तो इतने सारे फीचर्स हैं, बाकी इसी का कमाल है H-Smart में। अलग हटके करना है तो आप ये एक्टिवा ख़रीद सकते हैं जो अपर वेरिएंट में आती है, सबसे टॉप वेरिएंट है इसका ये एक्टिवा का। प्राइस की बात कर लेता हूँ भाई, बता देता हूँ इसका, आखिर में इतना सब कुछ मिल रहा है तो इसका प्राइस कितना होगा। आप लोग यही सोचेंगे यार इसका प्राइस तो ज़्यादा ही होगा, बाकी जो एक्टिवा है इससे जो नीचे है उसमें अंतर होगा, ठीक है। तो मैं इसके प्राइस की बात कर लेता हूँ भाई, एक्टिवा H-Smart की जो कि 6G में आ रही है, ठीक है। एक्स शोरूम की बात करूँ तो 80,627 रुपये एंड अगर ऑन रोड की बात करूँ तो ये आपको पड़ जाती 104,517 रुपये की। तो आप लोग आ सकते हैं NH2 कानपुर और आगरा रोड पर ये पड़ता है, ये शोरूम आपको मिल जाएगा श्री बांके बिहारी जी होंडा राजस्पीड होंडा देखा वो मिल जाएगा। नंबर मैं आपको मेंशन कर दूंगा, एड्रेस तो आप लोग देख सकते हैं यहीं पे, अगेन आपको ये हाईवे पड़ जाता है उसी के जस्ट सामने ही आपको मिल जाता है होंडा का शोरूम। तो आप लोग आइए, होली का धमाका यानी कि आप लोग देख सकते हैं भाई 5100 रुपये लीवो साइन पर कैश डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो आप लोग ऑफर का फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। इसके बारे में बताइएगा कमेंट्स करके ये आपको एक्टिवा कैसी लगी। एंड इसका एक दो कलर जो भी हैं वाइट में तो अदर मैं उनका भी वीडियो आपको बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा ज़रूर।
ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।